मेरी गुजारिश है मोहतरमा करुणा मिश्रा जी से कि वो माइक पर तशरीफ लाए और जोरदार तालियों से उनका इस्तकबाल करें। आदाब हाजरीन, सबसे पहले तो और असरार चंदेली साहब की इतनी खूबसूरत निजामत, मैं बहुत आज मुझे खुशनसीब हूँ कि उनकी निजामत में मैं आज पढ़ रही हूँ। और इंदौर आके एक बहुत आसानी हो जाती है कि इधर भी सारे सदाश हैं और इस तरफ भी सारे परिचित हैं, सभी अपने जान पहचान वाले हैं, तो एक बार अपने लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। तो एक मतला और दो शेर से शुरुआत करती हूँ। मतला अर्ज किया है, जब आँखों से नाम पुकारा जाएगा, जब आँखों से नाम पुकारा जाएगा सबसे पहले नाम हमारा आएगा। वाह 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 वाह, इशारे भी क्या। सबसे पहले नाम हमारा आएगा, तुम कातिल हो कत्ल करो 100 बार करो। तुम कातिल हो कत्ल करो 100 बार करो, हमसे दिल बेमौत न मारा जाएगा। और जो शेर मैं इंदौर के लिए को नजर करती हूँ कि दिल ये सुनकर चलने को तैयार हुआ इस रास्ते पर शहर तुम्हारा आएगा। बहुत शुक्रिया। इस रास्ते पर शहर तुम्हारा आएगा। दबाव दिल पे कोई था न लब पे ताले थे। जरा सी बात यही थी जबा पे छाले थे किसी सवाल का कोई जवाब था ही नहीं। सवाल उसके बड़ी मुश्किलों से टाले थे। और ये शेर देखें कि जो ख्वाब टूट गए उनका टूटना तय था। हम ही ने तोड़ दिए सब हम ही ने पाले। अच्छे शेर पर तो दादा सुनकर आनी चाहिए। हम ही ने तोड़ दिए सब हम ही ने पाले थे। और ये शेर भी देख लें कि हमारे जिस्म को दरकार धूप थी लेकिन वो रास्ते के शजर सारे छांव वाले थे। और शेर ये भी देखें कि इस तरह दिल में तेरी याद रखी जाती है जिस तरह चुपके से इमदाद रखी जाती है। और चिराग ने बहुत सारे मोहब्बत के ऊपर शेर सुनाए, आप आसपास देखिएगा आपको ऐसा जरूर मिलेगा। बिल्कुल मोहब्बत की कोई उम्र नहीं होती है कि जिस तरह सबसे चुराता है वो नजरें अपनी इस तरह इश्क की बुनियाद रखी जाती है। और आजकल का जो दौरे हाजरा का जो दौर है वो देखें कि फैसला बाद में होता है खता है कि नहीं पहले अब कैद की मियाद रखी जाती है। जिंदगी सुस्त रवानी में नहीं रह सकती। ये बतख झील के पानी में नहीं रह सकती। और शेर देखें कि मुझको लाजिम है नमी पेड़ के जैसी लेकिन मैं किसी आँख के पानी में नहीं रह सकती। और शेर ये भी देखें कि मुझसे बेहतर उसे लगती है
मुझसे बेहतर उसे लगती है निशानी मेरी, उससे कहना मैं निशानी में नहीं रह सकती। बहुत शुक्रिया। उससे कहना मैं निशानी में नहीं रह सकती, और शेर एक ये भी देख ले कि चलना पड़ता है कभी दरिया में मौजों के खिलाफ, चलना पड़ता है कभी दरिया में मौजों के खिलाफ, नाव हर वक्त रवानी में नहीं रह सकती। नाव हर वक्त रवानी में नहीं रह सकती। और एक गजल और सुनाती हूँ, देखिए मतलब अर्ज किया है, इश्क इश्क वो भी सोचकर हमसे नहीं हो पाएगा, इश्क वो भी सोचकर हमसे नहीं हो पाएगा, यानी किस्सा मुख्तसर हमसे नहीं हो पाएगा, यानी किस्सा मुख्तसर हमसे नहीं हो पाएगा। और शिवानी एक शेर देखो, जिसकी आंखों से मिले हैं जिंदगी को सारे रंग, जिसकी आंखों से मिले हैं, जिसकी आंखों से मिले हैं जिंदगी को सारे रंग, उसकी आंखों पर कलर हमसे नहीं हो पाएगा। क्या काफियां निकाला भाई, कलर हमसे नहीं हो पाएगा, उसकी आंखों पर कलर हमसे नहीं हो पाएगा। हौसला उम्मीद जज्बा, हौसला उम्मीद जज्बा सब ये कहकर चल दिए, हौसला उम्मीद जज्बा सब ये कहकर चल दिए, इससे आगे का सफर हमसे नहीं हो पाएगा। हौसला उम्मीद जज्बा सब ये कहकर चल दिए, इससे आगे का सफर हमसे नहीं हो पाएगा। सारा दिन मेहमान नवाजी, सारा दिन मेहमान नवाजी दर्द की करते रहे, सारा दिन मेहमान नवाजी दर्द की करते रहे, जश्न गम का रात भर हमसे नहीं हो पाएगा, जश्न गम का रात भर हमसे नहीं हो पाएगा। और दिल दुखाना, दिल दुखाना एक सितम है, दिल दुखाना एक सितम है और ये कारे सितम, दिल दुखाना एक सितम है और ये कारे सितम, आप कर लेंगे मगर हमसे नहीं हो पाएगा। दिल दुखाना एक सितम है और ये कारे सितम, आप कर लेंगे मगर हमसे नहीं हो पाएगा। और आखिरी शेर देख लें इस गजल का, कि इश्क में दौलत मिली जो, इश्क में दौलत मिली जो उसको कैसे छोड़ दें, इश्क में दौलत मिली जो उसको कैसे छोड़ दें, आपका गम दरगुजर हमसे नहीं हो पाएगा, आपका गम दरगुजर हमसे नहीं हो पाएगा। और एक गजल की चंदशार और देख लें, मतलब अर्ज किया है कि उसकी यादों को कहानी से अलग रखा है, उसकी यादों को कहानी से अलग रखा है, हमने पानी को रवानी से अलग रखा है, हमने पानी को रवानी से अलग रखा है। और जहनी बीमार है, जहनी बीमार है शायद वो मुसन्निफ जिसने लिखी, जहनी बीमार है शायद वो मुसन्निफ जिसने सीता को राम कहानी से अलग रखा है, सीता को राम कहानी से अलग रखा है। बहुत बहुत शुक्रिया, सीता को राम कहानी से अलग रखा है। और शेर ये भी देख लें कि हिजर लाजिम है कहानी की रवानी के लिए, हिजर लाजिम है कहानी की रवानी के लिए, इसलिए राजा को रानी से अलग रखा है, इसलिए राजा को रानी से अलग रखा है। और एक शेर इसका ये भी देख लें कि दिल में बसती है जो लौ, दिल में बसती है जो उस लौ की बदौलत हमने, दिल में बसती है जो उस लौ की बदौलत हमने, खुद को इस दुनिया ए फानी से अलग रखा है, खुद को इस दुनिया ए फानी से अलग रखा है। और आखिर में बस एक मतलब और दो शेर सुना के अपनी जगह लेती हूँ। मतलब अर्ज किया है कि किसी निगाह की जो बेबसी समझते हैं, किसी निगाह की जो बेबसी समझते हैं, वही तो लोग हैं जो जिंदगी समझते हैं, वही तो लोग हैं जो जिंदगी समझते हैं, हमारी बात समझता कहाँ है और कोई, हमारी बात समझता कहाँ है और कोई, हमारी बात तो सिर्फ आप ही समझते हैं, हमारी बात तो सिर्फ आप ही समझते हैं। और एक शेर भी देख ले, हमारी बात तो सिर्फ आप ही समझते हैं, मैं जिक्र आपका जो छेड़ दूं गजल में कहीं, मैं जिक्र आपका
जो छेड़ दूं गजल में कहीं तो लोग मेरी गजल आपकी समझते हैं। वाह 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 वा